ये देखिए फ्रंट लोडिंग मशीन है, इसमें प्रॉब्लम ये है, मशीन को हम अभी पोस्ट करके रखा है फिर भी पानी कंटिन्यू आ रहा है। पानी पोस्ट करने से भी पानी आ रहा है, टैब में बंद करने से ये पानी बंद हो रहा है। नहीं तो इसमें देखिए अभी पावर ऑन है, स्टार्ट नहीं किया फिर भी पानी आ रहा है। अभी हम लोग पावर को ऑफ करेंगे। अभी देखिए मशीन पूरा पावर ऑफ है फिर भी देखिए इसमें पानी आ रहा है। ये प्रॉब्लम ये वाल्व का होता है, ये वाल्व का अंदर में अगर कुछ कचरा या बाल कचरा या कुछ घुस गया गंदा, ये वाल्व में गंदा होने से ऐसा होता है। अभी हम लोग ये वाल्व को चेंज करके देखेंगे। अभी हम लोग वाल्व को खोलेंगे। ये पीछे में दो स्क्रू होगा, पाइप को हम लोग खोल लेंगे। ये पीछे में दो स्क्रू, ये जेक को भी हम लोग खोलेंगे। पहले हम लोग पीछे का दोनों स्क्रू खोल के ये बल्ब निकाल के इसका जो पाइप का जो लॉक है पहले हम लोग लॉक को थोड़ा साइड करके अभी पाइप को काला वाला पाइप को खींचेंगे करके। इसके अंदर में देखिए एकदम काला हो गया, इसको अभी मैं नया लेके आया हूँ, ये हम लोग अभी चेंज करेंगे। फिर से ये क्लिप को हम लोग क्लिप कर देंगे तीनों को। पाइप लगा दिया, ये पीछे का दो स्क्रू लगा देंगे। अभी अभी हम लोग ये जेक को लगा देंगे एक एक करके। अभी पानी का कनेक्शन, अभी हम लोग वाल्व को चेंज कर दिए। चेंज करके अभी हम लोग मशीन को फिर से स्टार्ट करेंगे।
ऑन। ये हम लोग टेस्ट करने के लिए अभी स्पीड 14 में रखेंगे, फिर स्टार्ट। अभी तक पानी लेना शुरू नहीं हुआ है, अभी देखिए पानी आ रहा है। इन लोगों का पानी का प्रेशर कम है बोल के थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो हम लोग मेन जो प्रॉब्लम है ऑफ करने से भी जो पानी आता है। अभी हम लोग मशीन को पोश करेंगे, देखिए अभी पानी नहीं आ रहा है, पहले पोश करने से भी पानी आता था। फिर हम लोग पावर को भी ऑफ करेंगे, देखिए अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पानी नहीं आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम होने से बल्ब का होता है, कभी कभी बल्ब रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, कभी कभी रिपेयर नहीं होता है।